ये हमारी DYA ड्रीवन प्रिंटर कोडिंग मशीन होती है, जो कि MRP एक्सपायरी डेट बैच नंबर डालने के काम आती है पाउच के ऊपर। अब आपका पाउच चाहे पोली बैग हो चाहे पेपर का बैग हो, ये सब पर प्रिंट करती है, और प्रिंट का जो इम्प्रेशन आता है वो गजब की क्वालिटी आती है, बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन आता है। मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा प्रिंट कैसा आता है और प्रिंट का इम्प्रेशन कैसे आता है और प्रिंट कैसे करते हैं इसमें। इसको ये मैनुअली मशीन होती है तो इसको ऑपरेट करना भी बहुत इजी होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैंने तो मशीन ऑलरेडी ऑपरेट कर रखी है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से ये डिस्पेंसर होता है, ये दिखाओ आपको, ये डिस्पेंसर होता है, डिजिट होल्डर भी बोल सकते हैं। आपको इसको इस तरीके से निकालना है, ये लॉक होता है यहाँ से, इस तरीके से निकाल, गर्म होता है अभी गर्म हो रहा है, इस तरीके से निकालना है। यहाँ पे अपने डिजिट लगा लेने, जो भी आपको मैटर अपना ऐड करना है पाउच के ऊपर, जो भी आपको डेट या एक्सपायरी डेट जो भी डालनी है यहाँ पे आपको डालनी है। ये 3 लाइन में भी आता है, 4 लाइन में भी आता है, तो ये 4 लाइन का है, तो 4 लाइन में मेरे को पाउच पे प्रिंट करके देखना है। तो आपको यहाँ पे डिजिट लगाने के बाद आपको इसको ऐसे ही यहाँ से रिबन थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करना है और यहाँ पे लॉक कर देना है दोबारा से इस तरीके से। अभी रिबन थोड़ा सा ना लूज हो जाता है, तो इस तरीके से आपको घुमा देना है। घुमाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट वेट करना है। मशीन 5 मिनट लेती है अपनी पूरी हीटिंग आने में, यानी कि गर्म होने पूरी 5 मिनट ले जाती है। 5 मिनट के बाद आप कंटिन्यूस काम कर सकते हैं मशीन के साथ। तो मैंने ऑलरेडी ये गर्म कर रखी है मशीन, यानी कि चला रखी है, ऑपरेट कर रखी है, 5 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, तो मैं इस पर प्रिंट करके देख सकता हूँ, कर सकता हूँ प्रिंट। तो मैं अब आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ प्रिंट कैसे आता है, प्रिंट का इम्प्रेशन कैसे आता है। तो पाउच को आपको ऐसे लगाना है, तो मशीन को प्रेस कर देना है, प्रिंट दिखाऊंगा क्वालिटी देखिए, और ये हटेगा भी नहीं यहाँ से, इसमें भी आप उसके हाथ फेर लो लगाने के बाद। मैं दूसरी जगह भी आपको करके दिखाता हूँ। जब आप मशीन अपनी पूरी हीटिंग पे आ जाती है तो इम्प्रेशन ही लगाने लगता है। फिर कितनी भी उंगली फेरोगे आप, इसको कैसे भी कर लो, मतलब पाउच प्रिंट अपनी जगह से नहीं हटेगा। मैं इस साइड में यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये हुआ है, ये वाला पहले हुआ हुआ था, ये बाद में किया हम लोगों ने। तो दोबारा से भी मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो, बस आपको हल्का सा प्रेस करना है, मतलब फिर आपको कंटिन्यू काम करते रहना है। ये व्हाइट पे आया, देखो कितना गजब का इम्प्रेशन है। और डिजिट अभी हमने एवी लगा रखे हैं, आप अपने हिसाब से लगाओगे, अगर उल्टा सीधा हो रहा है तो आप पलट के लगा सकते हैं। अभी हमने सिर्फ डेमो के लिए लगा रखे हैं इसमें डिजिट, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ से इसका टेम्परेचर सेट करते हैं पूरा, जितना भी आपको टेम्परेचर रखना है। यहाँ पे फ्यूज होता है, कभी कभार मशीन में सप्लाई नहीं आ रही, तो सबसे पहले आपको फ्यूज चेक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से ऑपरेट कर दे, ऑन ऑफ करते हैं मशीन को। ये हैंडल होता है प्रेस करने के लिए, और रिबन भी आपको इजीली ऐसे लगाना होता है। जब रिबन खत्म हो जाता है आपका, तो आपको यहाँ से ये खोलने होते हैं, यहाँ से खोलने के बाद रिबन ऐसे बाहर आ जाता है, तो आपको यहाँ से लेना है और इस तरीके से रिबन को लपेट देना, यानी पहले रिबन यहाँ पे लगेगा और ये वाला जो सिरा आपको इस तरीके से घुमा के लाना है, और यहाँ पे थोड़ा चिपका के सेट कर देना। जो वेस्ट मटेरियल है रिबन का, वो यहाँ पे फोल्ड होता रहता है रिसाइकिल में। मैं आपको पेपर पे भी करके दिखाता हूँ पेपर पे कैसे आता है प्रिंट। ये रखो आप इसको, इस पे करके दिखाता हूँ आपको बिल्टी का पेपर। अभी प्लेन पेपर पे भी करके दिखाता हूँ, ये देखिए प्लेन पेपर पे भी आ रहा है प्रिंट अच्छे से।
थोड़ा पूरी मशरूम दिखा दो इस तरीके से, पूरी आ रही है ना मशीन, अभी पूरी नहीं, थोड़ा सा इस तरीके से एक मिनट यहीं पर रखना, पूरी मशीन देखता हूँ किस तरह से। ये बैक साइड होती है मशीन की, ये फ्रंट साइड होती है मशीन की। LDPP किसी भी तरीके का आपका पाउच हो, सब पे प्रिंट करेगा आसानी से, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है पाउच के ऊपर।